आर्य महासंघ बांती लोगों के साथ कौशल देश में जा रहे थे। बहुत लंबा रास्ता पे भगवान बुद्ध जाते समय साल पेड़ों का जंगल देखे, देखकर मार्ग से हट कर उसी साल जंगल की पेड़ में एक और बैठ गए। बैठकर भगवान बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए ऐसे करके। मुस्कुराने के बाद आनंद भंते जी का मन में आ गया, भगवान बुद्ध कैसे मुस्कुराए, भगवान बुद्ध मुस्कुराने का कारण क्या है, प्रत्य क्या है। तथागत लोग बिना मतलब से थोड़ा भी मुस्कुराते नहीं है। इसके बाद आनंद भंते जी भगवान बुद्ध के पास आकर पूछे, तथागत आप किसी भी मुस्कुराए, इसका कारण क्या है, बताए। आनंद ये अभी जंगल जैसा दिख रहा है, यहाँ बहुत अमीर वाले धन संपत्ति वाले आदमी लोग रहते थे। आजकल वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, दुबई जैसा। आनंद तथागत भगवान बुद्ध काश्यप तथागत भगवान बुद्ध उसी शहर में थे। उन अरहंत सम्यक संबुद्ध काश्यप भगवान बुद्ध को सील से अपरिपूर्ण मतलब एक गवेशी नाम का उपासक था, अपरिपूरी सील से अपरिपूरी मतलब सील से परिपूर्ण नहीं है, ऐसा एक उपासक था काश्यप भगवान बुद्ध, उनका नाम गवेशी। गवेशी को 500 उपासक लोग थे, यानी कि गावेसी भी उपासक है, जैसे कि गोयंका जी जैसा ना, गावेसी को भी गावेसी के अनुयायी 500 थे, वो लोग भी वैसे ही है। तो ये गावेसी उपासक का मन में ऐसे आ गया, लेकिन गावेसी शील से परिपूर्ण नहीं है, और उन लोग का जो 500 लोग भी सील से परिपूर्ण नहीं है, ये समान में आ गया। कैसा आ गया, हम और ये मेरा अनुयायी, ये 500 लोग का फर्क क्या है, सभी लोग तो सेम है, सब उपासक, इन लोग भी उपासक, हम भी सील से परिपूर्ण नहीं, इन लोग भी सील से परिपूर्ण नहीं, सब बराबर है, इसलिए आज से हम अच्छे से सील सुरक्षा करेंगे। ऐसे करके वो अपना उपासक लोगों के पास आकर के बताया, आप लोग सुनिए, आज से हम सील को परिपूर्ण करेंगे। भगवान बुद्ध में आनंद, इसके बाद वो सुनकर के 500 लोग सोच रहे थे, ये गावेसी जी हम लोग से गया तो बड़ा है, वो सील परिपूर्ण करता है, हम लोग भी करेंगे। वो 500 लोग मिलकर के सील को परिपूर्ण कर रहे थे। इसके बाद गावेसी उपासक का मन में ये आ गया, हम तो ये 500 उपासक का मुखिया है,
हम सील से परिपूर्ण हैं, इन लोग भी परिपूर्ण हैं, हम और इन लोग का फर्क है ही नहीं है। ऐसे है तो और कुछ इनों से ज्यादा हम करना चाहते हैं, ऐसे सोच के अपना 500 लोगों के पास आकर के गावे से बता रहे थे, आप लोग सुनिए। आज से हम ब्रह्मचारी पालन करेंगे औरत के और स्त्री के संगत छोड़ देंगे। इसके बाद बताया आनंद बंधन आनंद 500 लोगों का मन में भी ऐसे आ गया, हमारे जो बड़े गवेशी जी अभी स्त्री संगत से दूर हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, ऐसे हैं तो हम लोग क्यों नहीं होंगे, हम लोग भी ऐसे हो जाएंगे, उन लोग भी ऐसे हो गया। इसके बाद गवेशी उपासक का मन में ऐसा आ गया, गवेशी उपासक के पास जाकर सभी लोग बताया, हम लोग भी अभी आपके जैसा हो गया, हम लोग भी अभी ब्रह्मचारी पालन करते हैं। फिर गवेशी का मन में आ गया, गवेशी उपासक का मन में आ गया, हम भी सीर सुरक्षा करते, इन लोग भी सीर सुरक्षा करते, हम भी ब्रह्मचारी पालन करते, इन लोग ब्रह्मचारी पालन करते हैं, हम लोग का फर्क क्या है। इसलिए और एक गुण हम अपनाएंगे, ऐसे करके उन लोगों के पास जा करके बताया, आप लोग सुनिए। आज से हम रात की भोजन को छोड़ देंगे, सिर्फ दोपहर के पहले हम भोजन करेंगे। इसके बाद वो 500 लोगों का मन में आ गया, हमारे गाहे गवेशी उपासक जी हमारे लिए बहुत उपकार हैं, हम लोगों को सहायता करता है, इसीलिए वो जो करते वो सही है, हम लोग भी रात की भोजन को त्याग करेंगे, छोड़ देंगे, हम लोग भी सिर्फ दोपहर के पहले भोजन करेंगे। इसके बाद वो अपना गुरु मैंने गवेशी उपासक के पास आके बताया, हम लोग भी छोड़ दिए, हम लोग भी आज से नहीं करेंगे। इसके बाद गवेशी उपासक का मन में आ गया, हम तो हम सील सुरक्षा करने का, इन लोग भी सील सुरक्षा किया, हम ब्रह्मचारी पालन के इन लोग भी अभी करता है, हम दोपहर के बाद भोजन करना छोड़ दें, इन लोग भी छोड़ दिए हैं। ऐसा है तो और कुछ हम करना चाहते हैं इन लोग से ज्यादा, ऐसे सोच के बताया ये गवेशी उपासक। अर्हत सम्यक संबुद्ध काश्यप भगवान बुद्ध के पास आए थे, आकर के काश्यप भगवान बुद्ध को बताया, भगवान बुद्ध जी हम आपके पास आकर के चीवर पहनेंगे, चीवर पहन के उपसंपन्न होंगे। इसके बाद गवेशी उपासक को अर्हत सम्मा संबुद्ध महा काश्यप सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी चीवर पहना दिया और उपसंपन्न करवाया। इसके बाद ये गवेशी उपासक उपसंपन्न होकर के ज्ञात समय जाने के पहले एकांत हो गया, सभी लोगों से अलग हो गया। एकांत हो गया मतलब में शुरू में धर्म सीख जाता है साथ में रह के, क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहे सब कुछ सीख जाता है, सील कहे समाधि कहे प्रज्ञा कहे सब सीख जाता है। इसके बाद जो कल्याण मित्र से जो कुछ लेना है सब कुछ ले लेता है, लेने के बाद अभी कोई जरूरत नहीं, इसके बाद अकेला हो जाता है। ऐसे करके अकेला हो गया, एकांत हो गया, गांधी को मिटाने का हिम्मत लेकर के
जंगल में रह गए। जो लोग घर द्वार त्याग करके चीवर पहनते हैं किस कारण पे, वो उत्तम अर्हत को प्राप्त करने के लिए। ये गावेसी उपासक भी गावेसी बनते जीवन की एकांत हो के सब कुछ सीख के उत्तम अर्हत को प्राप्त किया। बताया आनंद वो अर्हत लोगों में से एक बन गया। इसके बाद गावेसी उपासक के समय उनका शिष्य उनके साथी लोग थे 500, उन लोग का मन में आ गया ये गावेसी उपासक हम लोगों को, ये गावेसी हम लोग को बहुत उपकार किया, मदद है। ये आर्य गावेसी सारे बाल दाढ़ी काट के चीवर पहन के जंगल में चला गया। क्यों हम लोग नहीं जाएंगे? ऐसे करके उन लोग भी काश्यप भगवान बुद्ध के पास आया, आकर के ये बात बताया, हम लोग भी आपके साथ आपसे प्रवर तथा उपसंपदा को पाना चाहते हैं, कृपा करके हम लोगों को भी दे दीजिए। उपसंपन्न हो गया। इसके बाद गावेसी बांते जी का मन में ये आ गया, अरहंत बांते जी का मन में आ गया, हम तो उत्तम विमुक्ति को प्राप्त किया हूं। उसी प्रकार ये 500 लोग भी हम जैसा उत्तम विमुक्ति को प्राप्त करेंगे तो कितना अच्छा है, ऐसा सोच के गावेसी बांते जी एकांत होकर दुख से मुक्त हो गया है। उसी प्रकार 500 लोग भी धर्म सीखने के बाद एकांत हो गया, एकांत होके जंगल में रह के ध्यान करके सील समाधि प्रज्ञा परिपूर्ण करके उत्तम अर्हत्व को प्राप्त किया। बताया आनंद ये गावेसी इत्यादि 500 लोग उसी प्रकार सभी दुख से मुक्त हो गया। आप लोग भी आनंद ऐसा सोचना चाहिए, इसी प्रकार सुधरना चाहिए कि उत्तम अरहत्व को हम लोग भी प्राप्त करके रहेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। तो आप लोग भी एक काम करिए, आप लोग भी अच्छा है आश्रम में रहने वाले लोगों में से अच्छे से ध्यान करने वाले आप बन जाइए, अच्छे से धर्म स्टडी करने वालों में से आप बन जाइए, अच्छा से करुणा मैत्री से रहने वाले लोगों में से आप फर्स्ट हो जाइए, टॉप में आइए, तथा पढ़ाई करने वालों में से भी टॉप में आइए। सोनू सोचना चाहिए हम आएंगे बाकी लोग से ज्यादा, हम अच्छे से ध्यान करेंगे, नुक्की नुक्की ध्यान करना जरूरत नहीं, दिखा दिखा के नुक्की नुक्की ध्यान करने से भी टेंशन नहीं, दिखा दिखा के ध्यान करना भी जरूरत नहीं, टाइम मिल गया ध्यान कर रहे हैं। और स्टडी करने से भी वैसे ही है, धर्म सीखने से भी वैसे ही है, इसीलिए क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा गाय का बछड़ा, गाय बच्चा देता है, उसी बच्चा को गाय का जरूरत नहीं पड़ता है, जरूरी बहुत जरूरी है ना, अगर गाय नहीं मिला तो उसको क्या हालत हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा उसका जीवन, है ना, उसको पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे कुछ पता नहीं। वैसे ही है धर्म की रास्ता पे जाने वाले लोगों कल्याण मित्र का संग बहुत जरूरी है। थोड़ा सा सील के बारे में सीख के, समाधि के बारे में सीख के, थोड़ा प्रवचन सुन के,
सोच अगत मन में आ गया तब बस वो बहुत एक मूर्खता है। इसलिए मन की ज्ञान, मन में ज्ञान की प्यास होना चाहिए। इसलिए हम बताए ना, आप लोगों को दो चीज अच्छा से करेंगे मन में कोई टेंशन नहीं, धर्म की रास्ता तथा पढ़ाई की रास्ता। इसलिए ये बात आप लोग याद रखे, याद करके आप लोगों को करुणा मैत्री इत्यादि गुण धर्म के साथ भगवान बुद्ध के आर्य रास्ता पे जा करके इसी जीवन से उत्तम शांति को पाने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।